गलियां मिलती क्यों नहीं, ये गलियां खिलती क्यों नहीं, चल दे दे हमारा भारत देश धर्मों का देश है। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर कई आमरण अनशन धरनों के बल पर अंग्रेजी सरकार को देश से बाहर खदेड़ दिया था। लेकिन आजकल धरनों का सहारा लेकर कोई भी व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक दल अपनी जायज नाजायज शर्तों को मनवाना चाहते हैं। आजकल कुछ धरने जनहित में ना होकर निजी स्वार्थ के लिए किए जा रहे हैं। कई राजनीतिक दलों ने धरनों को राजनीतिक षड्यंत्रों का अचूक शस्त्र बना लिया है। हमारी ये कहानी किसी भी घटना या व्यक्ति विशेष से प्रेरित ना होकर पूर्णतः काल्पनिक है। हमारी कहानी का उद्देश्य आज के युवा वर्ग को जागरूक करने का एक प्रयास मात्र है। बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। अरे नहीं नहीं, राधे श्याम राधे श्याम, फिर गलत काम। अरे बाबा जी अपनी नहीं, अपनी परम पूजनीय माँ जी की जय जयकार कराना चाहते, तो अब बोलो बाबा जी की माँ की जय, बाबा जी की माँ की जय, बाबा जी की माँ की जय। बाबा जी फिर से आपकी विदेश यात्रा। हम साधु संतों के लिए क्या देश क्या विदेश, संपूर्ण धरातल एक है। परंतु जिस तरह से मेरा स्नेह और आशीर्वाद आप सबको मिलता है, वही आशीर्वाद और स्नेह मैं अपने प्रदेश के भक्तों को देने जा रहा हूँ। उच्च विचार, उच्च विचार। बाबा जी आप हमेशा विदेश यात्रा करते रहते हैं, तो आपका आपके पीछे आपका आश्रम उसे कौन देखता है? भक्त जनों, मेरे पीछे मेरे प्रिय आश्रम की देखभाल मेरा प्रिय शिष्य टिल्लू करता है। बाबा जी की माँ की, बाबा जी की माँ की, बाबा जी की माँ की, बाबा जी की माँ की। क्या हुआ प्रताप जी, सुबह गार्डन में वॉक नहीं लिया क्या? ये लो, आपको मजाक सूझ रहा है? और यहाँ मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। क्यों? कभी नहीं बन सकती हमारी सरकार, कभी नहीं बन सकती है? अरे परिस्थितियां हमारे हाथों से निकली जा रही है और आप है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे। अरे इस सरकार को गिराने के लिए मंत्री जी कुछ कीजिए, कुछ सोचिए प्लीज। सरकार को गिराने के लिए दो मुद्दे हैं हमारे पास, भ्रष्टाचार और महंगाई। तो मुद्दा हमारा होगा और आवाज बाबा जी की होगी। बाबा, ये बाबा कौन है? अरे हाँ, ये बाबा कौन है और ये करेगा क्या? धरना, बाबा जी करेंगे धरना। समझ गया, और हमें अब कुछ नहीं करना। जय बोलो बाबा की जय। हमारे गांव में
भ्रष्टाचार इतना रच बस चुका है कि सरकारी दवाइयां जो हमारे लिए आती हैं, वो यहाँ आने से पहले ही उसका सौदा हो जाता है। अस्पताल है पर डॉक्टर नहीं है। सारे डॉक्टर अपनी अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, सरकारी तनख्वाह के अलावा एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं। गरीब गांव वाले मरे या जिए किसी को कोई फिकर नहीं है। और जब डॉक्टर कमा रहे हैं तो हॉस्पिटल के कंपाउंडर कहाँ चुप बैठे? उन्होंने सरकारी अस्पताल के कमरों को किराए पर उठाना शुरू कर दिया, हॉस्पिटल को मुसाफिर खाना बना दिया और अय्याशी का अड्डा हो गए ये हॉस्पिटल आजकल। लेकिन आप लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं जाऊंगा, सरकार से बात करूंगा। सत्या भाई की जय! सत्या भाई की जय! सत्या भाई की जय! मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मो, मेरे देश की धरती। हेलो हेलो टिल्लू जी, कैसे हैं आप? ओ प्रभु जी, हम गरीबों की कैसे याद आ गई आपको? टिल्लू जी, बाबा जी से बात करनी थी, बात करवाइए ना। अजी जरा क्या, पूरी बात करवा देता मगर बाबा जी समय विदेश में हैं। अरे तो क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस पर करवा दीजिए। अच्छा, वैसे बाबा जी ने मना किया है लेकिन फिर भी आई विल ट्राई। हाँ बोल टिल्लू, अचानक कैसे फोन कर दिया? बाबा जी की माँ की जय 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 जय। बाबा जी, गोपीनाथ जी आपसे बात करना चाहते हैं। बड़ा काम लेकर आए हैं। अच्छा, काम मतलब दाम? हाँ। फौरन उन्हें लाइन दिया जाए। हेलो गोपीनाथ जी, बात कीजिए, बाबा जी लाइन पे हैं। बाबा जी की माँ की जय जय माँ की जय। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? बाबा जी, सेवा तो हमें आपकी करनी चाहिए, देश विदेश की जनता का जबरदस्त सपोर्ट है आपको, बराक ओबामा से भी बढ़कर पॉपुलैरिटी है आपकी। थोड़ी इस पॉपुलैरिटी की छींटे हैं हम पर भी डाल दीजिए ना, ताकि हमारी सरकार बन जाए। सरकार तो बन जाएगी पर इसमें हमारा क्या लाभ है? सरकार, आप कहना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप यहाँ आकर देश की महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण अनशन यानी धरना कीजिए, और सरकार पर इस पर कोई कानून बनाने के लिए जोर डालिए। आप जोर डालेंगे तो जनता यानी आपके भक्त सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। आप यहाँ तक हमारा साथ दीजिए, आगे हम संभाल लेंगे। आपका काम थोड़ा टेढ़ा है, काम जैसे ही हो जाएगा आप हमें इस काम का जरा विशेष लाभ देंगे, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। बाबा जी, काम जो हम कहें और कीमत जो आप कहें। काम जो तुम चाहो, दाम जो मैं चाहूं। कहीं आपने फिल्म शोले देख के तो मुझे फोन नहीं किया? जब जोक कर रहा हूं, मजाक करते रहना चाहिए। आपका काम हो जाएगा। शुक्रिया। सुन टिल्लू। हाँ 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 गुरुजी। अभी के अभी मेरे ईमेल आईडी से सरकार को मेल कर कि मैं 11 तारीख से आमरण अनशन पे बैठ रहा हूँ। जी बाबा जी, जैसा आदेश, कल ही मैं आपके ईमेल से सरकार को संदेश दे देता हूँ, 11 तारीख से अनशन कन्फर्म। सत्या भाई बहुत से काम कर रहे हैं, कैसे क्या कर? अरे सत्या जी, और वो है कि हाँ हाँ बताओ बताओ, बताओ क्या बात है? आजकल गांव में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको आज तक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, आप उनकी शिक्षा के लिए कुछ करिए वरना वो सब अनपढ़ रह जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा, है ना? हमारे पास एनजीओ है, हम उनको लेके जाएंगे और सब बच्चों को किताब उताब दिलवाएंगे। अच्छा चले जी, बहुत अच्छा, खेलो खेलो खेलो, चलो खेलते हैं, आ जाओ। हाँ दे, इधर लाना। सरकार की तरफ से आपको किताबें दी जा रही। नमस्ते। लीजिए, आप देखिए। कैसे हो बेटे? बच्चों को भी दो। सत्या भाई ये क्या है? ये किताबें हैं जिसे मैं गांव के हर बच्चे को बांट रहा हूँ। इससे क्या होगा? इससे आपके बच्चे शिक्षित होंगे और इससे मेरा भारत सफल होगा। इस शिक्षा और सफलता के बीच तो हमारी भूख खड़ी हुई है, इस भूख का क्या होगा?
यही कड़वी सच्चाई है। और यही सच, जब ये छोटे छोटे बच्चे होटलों में काम करने जाते हैं, तभी इनके परिवार में चूल्हा जलता है। लेकिन बाल मजदूरी पर तो, हाँ बाल मजदूरी पर सरकार ने कानून बना रखा है और अपराध भी घोषित कर रखा है, लेकिन आज भी हमारे देश के 8 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, उससे उनके परिवार का चूल्हा जलता है। हमें इन बच्चों को बाल मजदूरी करने से रोकना पड़ेगा। अगर हमने उन्हें मजदूरी करने से रोक दिया तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? कहाँ काम करते हैं सारे बच्चे? आइए आइए देखिए, ये चाय की दुकान है जहाँ गांव के बच्चे काम करते हैं। सत्या भाई आप हमें माफ कर दीजिए, हम आज से ही इन बच्चों को काम से हटा देंगे। हाँ भाई। आप इनको काम से मत निकालो, आप इनको हर रोज शाम को 5 बजे छुट्टी दे देना ताकि ये स्कूल जाके पढ़ सके। आज शाम से ही 5 बजे बच्चों को छुट्टी दे दिया करेंगे। ठीक है। नमस्ते। 5 बजे जब छुट्टी मिल जाएगा तो पढ़ेगा ना बेटा? हाँ। जाके हाँ। रोज जाएगा ना पढ़ने? जाएगा ना? हाँ। शाबाश। अरे गोपीनाथ जी छोड़िए, बाकी सारी बातें तो होती रहेंगी। अगर आपको बाबा जी का अनशन कराना है तो सबसे पहले उनकी डेट लॉक कीजिए। और हाँ एक बात और बता दूं, बाबा जी का लकी नंबर है 9, इसलिए एडवांस पेमेंट पूरे 9 करोड़ होना चाहिए। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? और दूसरी बात ये कि अपनी जो डील हुई है वो पूरा पेमेंट 2 किश्तों में चाहिए। पिल्लू जी आप निश्चिंत रहिए, 9 होके आप तक पहुँच जाएंगे, आप काम शुरू कर दीजिए। अरे तो आप भी निश्चित रहिए, तिलक लगा है तो प्रसाद तो बढ़ेगा ही। मेरा मैटर तो सिर्फ प्लानिंग करना है। प्लानिंग? अरे यही कि बाबा जी की तरफ से मैं सरकार को मेल कर रहा हूँ। अच्छा, मगर उस मेल में मेल की नोटिस में क्या लिखा होगा? अरे उस मेल में बस यही लिखा होगा कि यदि सरकार ने 10 तारीख तक महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया तो मैं बाबा लक्ष्मण देव रामलीला मैदान में 11 तारीख को धरने पे बैठ जाऊंगा। वाह ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ। सरकार की पूरी कैबिनेट की नींद उड़ जाएगी। हाँ लेकिन टिल्लू जी, जनता? अरे जनता की बात छोड़ो गोपीनाथ जी, जनता तो पूरी बाबा जी के साथ है और बाबा जी बाकी सब संभाल लेंगे। बाबा जी की माँ की जय। आश्रम में आने वाले हर भक्त का सत्कार करना आप सबका कर्तव्य है, ना कि सिर्फ भक्त, मेरा भी सत्कार किया करो। अच्छा जी। हाँ वेतन और पेमेंट तो मैं ही देता हूँ ना। मोबाइल, 1 मिनट। हेलो टिल्लू जी, आपके अकाउंट में पैसे जमा हो गए, जरा चेक कर लीजिए। पेमेंट बैंक में आ गया है यानी ट्रांसफर हो गया, तो 11 तारीख का धरना कन्फर्म। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। अब इस बाबा का क्या निवारण करेंगे आप? हम हाई कमान के आदेश के बिना कुछ नहीं करते। फिर क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, हाई कमान से मैं बात कर लूं। ठीक है। जय हिंद। जय हिंद। जैना साहब आप यहाँ इतनी देर से चुप चुप क्यों बैठे हो? लगता है मन में कुछ बात है, बताओ बताओ क्या बात है? ओ जैना साहब जो कहना चाहते हो कहो, क्यों लंबी कहानियां कर रहे हो? सुबेदार जी आप सब समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए ये गोपीनाथ जी का जो धरना है ये आपने स्पॉन्सर किया है, ये तो सबको पता है, लेकिन ये बाबा का क्या चक्कर है? जैना साहब ये बाबा जो है, ये बाबा की इस देश में बहुत TRP है, आपको मालूम नहीं है जैना साहब। और जब ये बाबा धरना करेगा देश में तो देश और दुनिया में इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं सब इनके पीछे हो जाएंगे और सरकार हिल जाएगी, और अगर सरकार हिली तो मेरा ये व्यापार और बढ़ेगा। वाह सर जी। लंकेश्वर मेरी नाक कट गई। क्या कहा? नाक कट गई? नाक तो मेरी कट जाएगी अगर 11 तारीख को धरना शुरू नहीं हुआ तो। क्या धरना धरना लगा रखा है, 11 तारीख से उस जगह पे रामलीला होनी है, सब जगह अनाउंसमेंट हो चुका है, देखो। मुझे सब पता है,
धरना भी होगा और रामलीला भी होगी, सब कुछ शॉर्ट में पटा देंगे यार। शॉर्ट में मतलब राम जी का जन्म ना दिखाऊं, सीधा बनवास दिखा दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैंने टिलू जी महाराज से एडवांस पकड़ लिया है। एडवांस? समझा करो यार। दू घुमा के उल्टे हाथ का एडवांस का मतलब राम जी के नाम पे झोल करोगे, कमीना रोल करोगे? सब एडजस्ट कर लेंगे यार। कैसे एडजस्ट कर लेंगे? मैं रामलीला का डायरेक्टर हूँ, बच्चे इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ रामलीला होगी, रामलीला होगी, रामलीला होगी, धरना वरना कुछ नहीं होगा। अरे सुनो तो सही यार, कैसा अजीब आदमी है। अरे कांटेलाल जी, आप इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं, क्या हुआ? होना क्या है बेटा, मैं इन्हें सोने की लंका दिखा रहा हूँ और ये है हनुमान जी की तरह उसमें आग लगाने की सोच रहे हैं। ठीक ठीक नहीं है, गलत है। अरे वो श्री राम जी के राइट हैंड थे इसलिए लंका जल गई। भगवान के नाम का सौदा नहीं होने दूंगा मैं। आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। अरे वो सिर्फ 3 दिन के लिए तो ग्राउंड मांग रहे हैं। अरे भाई ग्राउंड नहीं है, शांत हो जाओ, रामलीला मैदान है ये। सॉरी मिस्टेक, रामलीला मैदान, अब तो मान जाओ। चला, मैं गलत काम नहीं करूंगा। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं उस इंसान के साथ काम करता रहा जो इंसान केवल दौलत से प्यार करता है, भगवान से नहीं। बिकाऊ हो तुम। कांटेलाल जी, मैं तुम्हारी इसलिए इज्जत कर रहा हूँ कि तुम्हारे और हमारे बाप दादा काफी समय से ये रामलीला करवाते आ रहे हैं। आहा, और इसीलिए तुमने जमीन का सौदा कर दिया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो, जो लोग इतने सालों से रामलीला देख के रामायण पढ़ के नहीं सुधरे, क्या वो इस साल रामलीला देख के सुधर जाएंगे? बस मैंने तो फैसला कर लिया, रामलीला इस साल 4th दिन से शुरू होगी। शांत हो जाओ, पहले धरना हो। धरना वरना कुछ नहीं होगा। और आज से ड्रामा की रिहर्सल भी बंद। शांत हो जाइए। रिहर्सल भी बंद? हाँ। तो मेरे धरने का क्या होगा, जो मैंने एडवांस लिया है? अरे एडवांस लेने वाले बहुत देखे हैं। मैं कुछ नहीं होने दूंगा, ना धरना होगा और ना रामलीला होने दूंगा यहाँ पे। अरे भाई सुनो तो राहुल। राहुल। प्रिया। राहुल, मेरी तारीफ करो ना। अच्छा तो सुनो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Shut up. नहीं डार्लिंग। Up above the world. राहुल, मन कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूँ। क्यों डार्लिंग? ऐसे क्यों कह रही हो? क्यों का क्या मतलब? मैं तुम्हें अपनी तारीफ करने को बोल रही हूँ और तुम हो कि पोइट्री सुना रहे हो, और वो भी ट्विंकल ट्विंकल। तो इसमें गलत क्या है? राहुल, रोमांस कहाँ है? ट्विंकल नाम ही अपने आप में रोमांस है। तुमने देखा नहीं हमारी पड़ोसन ट्विंकल को? What? तुम मेरी तुलना उस ट्विंकल के साथ कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छी लगती है ना वो? I hate you राहुल, मैं जा रही हूँ। Please, sorry. Wait. Sorry. हेलो सर, उर्मिला और लक्ष्मण को देखा क्या? उनसे कॉस्ट्यूम लेना है। अरे उनका कॉस्ट्यूम वहाँ होगा जहाँ वो लोग होंगे। और वो लोग कहाँ पाए जाते हैं दोनों प्यार के पंछी? सीढ़ियों पे। वो ट्विंकल है और तुम चांद हो, और ट्विंकल की रोशनी चांद के सामने हमेशा फीकी पड़ जाती है। सच? मुझ। I love you, राहुल। तो फिर तुम मुझ पे इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैं क्या करूं राहुल, तुम बात ही ऐसी करते हो। एक तो इस रामलीला की रिहर्सल के बहाने हम लोग मिल पाते हैं, और तुम हो कि तुम्हारा बाप कांटेलाल ना मेरे और तुम्हारे मिलने के रास्ते में हमेशा कांटे बिछाता रहता है। राहुल, तो मैं क्या करूं? कितने दिनों तक मैं तुमसे मिलने के लिए तरसता रहता हूं? मैं क्या करूं डार्लिंग, मैं मजबूर हूं ना। तुम कुछ मत करो, मैं ना उस कांटे की नाक के नीचे से उड़ा के ले जाऊंगा तुम्हें एक दिन। अरे बाप रे, डैडी की आवाज। अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया ना तो सच में आफत आ जाएगी। तुम्हारे पापा ना सचमुच के कांटे हैं, चुपते को चुपते रहते हैं। राहुल मैं जाती हूँ, डोंट वरी, बाय बाय। अरे गोपीनाथ जी, काम कैसे शुरू हो? आपने पेमेंट भेजा ही नहीं। अरे टिल्लू जी, आपको एडवांस तो मिल गया था ना? अरे गोपीनाथ जी, एडवांस का मतलब है तिलक, और तिलक यानी चंदन तिलक, और चंदन तिलक की मीनिंग होती है काम कंफर्म होना, काम शुरू होना नहीं। इसलिए आप काम करवाना चाहते हैं तो देखिए टिल्लू जी, आप प्लीज काम शुरू कर दीजिए, काम रोकिए मत, जल्द से जल्द आपको पैसा पहुंचा दूंगा। बस इधर आपने माल भेजा और इधर धरना शुरू, बाबा जी की मां की जय। पार्टी फंड में कितना पैसा इकट्ठा हुआ? थोड़ा हुआ है,
थोड़ा हो रहा है और आशा करते हैं कि कुछ दिन में थोड़ा और हो जाएगा। क्या हो रहा है? पैसे ऐसे इकट्ठा नहीं होंगे? कैसे होंगे मैं बताता हूँ आपको। हाँ बताएं। अब तेरा बजा क्या? नहीं भाई मेरा नहीं। तो फिर क्या तेरा बजा? हाय अबे मेरा बजा। मैं कहा भाई अब किधर है किधर है अबे मेरा बजा। हेलो मैं प्रताप सिंह प्रताप बोल रहा हूँ अवसरवादी पार्टी से। क्या मैं मक्खी दादा से बात कर सकता हूँ? अबे एक मिनट हिलिए मत बे। क्या हुआ? हिलना मत बोल रहा। क्यों? कुछ हिला हुआ लग रहा है। अबे अबे मक्खी दादा के लिए फोन है। अबे मक्खी दादा कौन है? अरे आप ही तो है मक्खी दादा। अबे पहले बोलना था अबे किसी के सामने अपने नाम का फुल उठा निकालेगा। अबे मैं ही हूँ मक्खी दादा। हाँ मक्खी दादा नमस्कार। दादा मैं प्रताप सिंह प्रताप अवसरवादी पार्टी से बोल रहा हूँ। प्रताप भाई बोलो प्रताप भाई किसको लुटकाना है किसको तोड़ना है किसको फोड़ना है? नहीं दादा इस बार मैंने आपको किसी की सुपारी देने के लिए फोन नहीं किया बल्कि आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। प्रताप भाई क्या बात है खुशखबरी देने के लिए फोन किया मुझे। मजा आ गया कोई मतलब की बात है? अरे प्रताप भाई मतलब की बात उल्टी करो ना अपनी बात को बताओ। दादा ऐसा है कि गोपीनाथ जी ने ये फैसला किया है कि आपको इस सोसाइटी में व्हाइट कॉलर वाला बनाना है। हाँ और अपनी पार्टी में एक अच्छी पोस्ट देकर आपसे इलेक्शन लड़वा कर मिनिस्टर बनाने का निर्णय लिया है। सच? अरे सच प्रताप भाई मैं मंत्री बनूंगा। अरे यानी कि कल तक जो पुलिस वाले मेरे पीछे भागते थे अरे मुझे सलूट करेंगे। अरे जरूर करेगी दादा। यही तो सच्चाई है हमारे देश की। यही तो हो रहा है हमारे देश में है दादा। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या है किसी भी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा सा फंड की जरूरत पड़ती है अगर कुछ हो जाता तो मतलब। अरे प्रताप भाई कुछ पैसा देना होगा। अरे बोलो कितना देना होगा कहाँ देना होगा बोलो। दादा एक काम करता हूँ मैं आपको आपके फोन पर SMS करता हूँ अपना अकाउंट नंबर और RTGS कोड। अबे ये क्या होता है बे? अरे भाई RTGS कोड। अरे पूछ रहा हूँ अबे ये क्या होता है बे? अरे भाई ये पैसा जमा कराने का नया तरीका है। अबे तो पढ़ा लिखा है? बिल्कुल भाई। हाँ अब उस अकाउंट में आप पैसे भिजवा दीजिए। ठीक है क्या बात है। अबे ये प्रताप कौन है? अरे भाई अभी मैं कुछ दिन की बात कर रहा था पैसा अभी हो गया। वेरी गुड हो गया काम जी। लिख लो नाम। हाँ बोलिए। नोट कीजिए सब बिल्डर लॉबी को आप फोन कीजिए। हाँ सर बोलिए। बिल्डर से कहना जैसे ही हम इलेक्शन जीतते हैं जी उनके सारे इलीगल काम लीगल हो जाएंगे जी। फिर नंबर दो स्पीक इंडिया के मालिक उनको फोन कीजिए। हाँ उनको भी कर दो। उसने लोगों को झूठे आश्वासन देकर करोड़ों को लूटा है। वो तो देगा। इससे पहले कि पुलिस उनके पास पहुंच जाए। नहीं वो पहुंच घर आके देगा सर। वो हो गया ठीक है लगा दीजिए। हाँ जी बोलिए। तुमसे मिले तुम्हें देखे कई दिन हो गए अब मुझसे जुदाई सही नहीं जाती मिलने का कोई रास्ता निकालो। प्रिया पापा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मैं और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या आप हमारा रिश्ता लेके उसके घर जाएंगे? मेरे दुश्मन की बेटी और मेरे घर की बहू बनेगी ये कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं ये जहर खा के अपनी जान दे दूंगा। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं सुसाइड कर लूंगा। बेटा दो। मैं छोड़ो। मैं नहीं रुकूंगा माँ। आप इसके बाद मान क्यों नहीं लेते? अगर इसने कुछ कर लिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे नहीं नहीं तुम लोग ऐसा कुछ मत करना। ठीक है मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाता हूँ। जाता हूँ। अभी तक पापा आए नहीं। पता नहीं उस कांटे लाल ने हमारा रिश्ता कबूल किया भी है नहीं।
भगवान प्लीज उस कांटे लाल को फूल बना दो, मुझसे टेंशन और बर्दाश्त नहीं होती। प्रिया को फोन लगाता हूं। हेलो हेलो राहुल, राहुल हमारे प्यार की जीत हुई राहुल, खुशियां मनाओ, मिठाइयां बांटो। प्रिया क्या हुआ, क्या कहा तुम्हारे पापा ने मेरे पापा से? अरे राहुल वो सिचुएशन तो देखने लायक था। तुम्हें पता है जब तुम्हारे पापा ने मेरे पापा से तुम्हारे लिए मेरा हाथ मांगा तो पता है पापा ने क्या कहा? क्या? पापा ने कहा ये रिश्ता कभी नहीं होगा। शुक्ला मैं अपनी बेटी तुम जैसे दौलत के लोभियों के घर में कभी नहीं दूंगा, जो पैसे के लिए भगवान के नाम तक को बेच देते हैं। तुम्हारे पापा ने हमारा मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और तुम मुझसे कह रही हो खुशियां मनाओ मिठाइयां बांटो। राहुल तुम भूल गए, तुमने ही तो कहा था ना कि जब जब प्यार पर पहरा हुआ है प्यार और भी गहरा गहरा हुआ है कि हम उन गहराइयों से कभी उभर ही ना पाए। राहुल तुम इतने में ही डर गए। अरे तुम्हें नहीं पता कि मैंने हमारे प्यार को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें एक और तड़का ऐड कर दिया है। अब क्या कर डाला तुमने? राहुल मैंने पापा को साफ साफ कह दिया है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ राहुल से, मैं राहुल से प्यार करती हूँ। और पता है इस पे पापा ने क्या किया? क्या? हाँ, पापा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है और कहा है कि अब देखता हूँ कि तू उस लफंगे राहुल से कैसे मिलती है, और खबरदार अगर तूने अपना एक कदम भी इस कमरे से बाहर निकाला, और अगर निकाला ना तो मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। गई भैंस पानी में। अब कुछ नहीं होगा, आप कुछ करते क्यों नहीं? तो अब और क्या करूं, सब जगह तो चक्कर काट के आ रहे हैं, एमपी एमएलए से लेकर कमिश्नर सब कहते हैं वाह वाह क्या अच्छा काम कर रहा है, लोगों का भला कर रहा है, भगवान आपका कल्याण करेगा, क्या घंटा कल्याण करेगा। एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, कोई नहीं सुनता साला। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जिसकी बात पूरी दुनिया सुनती है। एक आदमी है जो हमारी बात सुन सकता है। कौन? बाबा लक्ष्मण देव। हाँ बाबा लक्ष्मण देव। हाँ भाई इन बाबा ढोंगियों के चक्कर में मत पड़ना, इन पर हम भरोसा नहीं कर सकते, इनके खाने के दांत और दिखाने के और होते। नहीं नहीं ये बाबा ऐसा नहीं है, आज के युग के राम है, नाम है लक्ष्मण देव, वही हमारी बात सुनेंगे, वही सबका कल्याण करेंगे, मैं तो उन्हीं से बात करूंगा। आप कहते हैं तो भरोसा कर सकते हैं, हमें इनके पास चलना चाहिए। चलिए चलो। यार राहुल कुछ नहीं हो सकता तेरा। क्या नहीं हो सकता मेरा? तेरे बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि तेरे पापा और प्रिया के पापा की दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ रही है यार, और इन दोनों बुड्ढों के चक्कर में अब की बार रामलीला होने की संभावना नहीं लगती। रामलीला क्यों नहीं होगी? अरे यार रामलीला का क्या लेना देना, रामलीला इस साल नहीं होगी अगले साल होगी, प्रैक्टिस कर लो, बाबा जी का धरना तो नहीं होने वाला अगले साल, रिहर्सल क्यों नहीं कर रहे तुम? शाबाश बेटा, ताकि तू और प्रिया मिलते रहे। यार रिहर्सल शुरू तो करवा लो। इस बात का पता तो तभी चलेगा जब बाबा जी आ जाएंगे। तो बाबा आएगा कब? बाबा जी की माँ की, बाबा जी की माँ की। भक्तजनों, भगवान राम जी के पिताश्री दशरथ जी के इस भारतवर्ष में कितने मंदिर हैं? एक भी नहीं। और उनके परम भक्त श्री हनुमान जी के कितने मंदिर हैं? लाखों मंदिर, लाखों। इससे ये साबित होता है कि पिता होना बड़ी बात नहीं है, शिष्य होना बड़ी बात नहीं है, नहीं है। बाबा जी की माँ की, बाबा जी की माँ की। और तुम सब लोग शिष्य हो, भक्त हो, इस बात पे मुझे गर्व है, और मेरे भक्त हो, इस बात पे मुझे ज्यादा ही गर्व है। आज मैं तुम्हें अपने प्रिय और सबसे बड़े शिष्य से यहाँ मिलवाने वाला हूँ, जिसका नाम है सत्या। नमस्ते बाबा जी, प्रणाम। जीते रहो पुत्र। प्रणाम। पहन लगो बाबा जी।
तुम्हें इस बात से बड़ी खुशी होगी कि अब तुम हमारे आश्रम के एक प्रिय सदस्य और मेरे भक्त हो गए हो। जी। अब गांव गांव में जाओ और मेरे आश्रम का और मेरा प्रसार और प्रचार करो। जैसी आपकी आज्ञा। टिल्लू महाराज हार दीजिए, खुद ही ले लीजिए। आज से तुम सत्य बाबा हो, तुम जहां भी जाओगे हमारे ही गुण गाओगे। जाइए। बाबा जी की मां की जय। 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 दर्शकों, देश में हर ओर एक नई क्रांति की हवा चल पड़ी है और वो है महंगाई घटाओ करप्शन हटाओ, और इस क्रांति को छेड़ने वाले हैं श्री बाबा लक्ष्मण देव प्रसाद जी। तो आइए हम बाबा लक्ष्मण देव प्रसाद से बात करते हैं। नमस्ते बाबा जी। नमस्कार, आशीर्वाद है। बाबा जी, आप जो धरना करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इससे देश का भला होगा? भाई क्यों नहीं होगा है? क्या आपने इस देश का इतिहास पढ़ा है? मैंने स्कूल में पढ़ा है। स्कूल में पढ़ा था और कॉलेज में भूल गई मस्ती में। ना ना ना, ये केवल आपकी समस्या नहीं है बल्कि समस्त भारत के समस्त नवयुवकों की ये समस्या है। और ये हमारा महान देश तो धरनों का देश है। धरनों के कारण ही महात्मा गांधी जी ने, हमारे प्रिय बापू जी ने अंग्रेजों को इस देश से भगाया था। फिर तो ये मामूली भ्रष्टाचार है, महंगाई है। ये क्यों नहीं दूर जाएगी इस धरने की वजह से? और मैं समस्त भारतवासियों से ये आह्वान करना चाहता हूँ। अरे प्रताप जी, 11 तारीख से मैं आमरण अनशन यानी धरने पे बैठूंगा। देखिए हमारे देश से बाबा जी भ्रष्टाचारी महंगाई हमेशा के लिए दूर हो जाए और मेरा प्रिय देश इन सब विषयों से स्वतंत्र हो जाए। यही होगा मेरा धरना अनलिमिटेड आशीर्वाद है। तो बाबा जी ने हमें बताया कि आगे की रणनीति क्या है और किस तरह से इस मुद्दे को वो आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार। गोपीनाथ जी, बाबा ने तो हमारा काम बहुत आसान कर दिया। अभी फौरन वो जो है ना, फोन करके धन्यवाद कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। थैंक यू बाबा जी। कहिए गोपीनाथ जी, कैसे याद किया? अरे बाबा जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपका धरना अनलिमिटेड कंपनी सुपर हिट, क्या बात है। अरे भाई, पब्लिक में फिट होना है तो हमें हिट होना ही पड़ेगा। ये बताइए, आपने याद कैसे किया? वो बाबा जी, हमने टिल्लू से सब बात कर ली है, कोई प्रॉब्लम वगैरह होगा तो बताइए। हाँ, समस्या है, एक सेवा है। ये धरना करने के लिए हमें रामलीला मैदान की परमिशन दिलवा दीजिए, क्योंकि जब भी धरना करना पड़ता है रामलीला मैदान को ही धरना पड़ता है। लकी मैदान है। बस इतनी सी बात है ना, वो कांटेलाल के कांटे हम निकलवा देंगे। मैं बात कर लूंगा ना। बाबा जी की मां की जय। अब चल बे, अब तोड़ देंगे फोड़ देंगे, अब तोड़ देंगे फोड़ देंगे। ए बसंती, ए तूने मुंह खोला तो इसकी मुंडी खोल के रख दूंगा मैं। अबे ढोलकी के ढक्कन पे अबे बोल बे। अरे कौन हो भाई साहब आप? अबे कौन हूँ बे मैं? अरे भाई, आप हैं मक्खी दादा, द ग्रेट अंडरवर्ल्ड डॉन मक्खी दादा। मक्खी दादा लिया बे तूने? अबे मैं हूँ मक्खी दादा। मुझसे क्या चाहते हैं बताइए? बोल बे। अरे रामलीला भाई, रामलीला। अबे कौन सी रामलीला? अरे धरना। अबे कौन सा? अबे धरना। अबे ओ ढोलकी के ढक्कन, अबे कान खोल के एक बात सुन लो। अबे जब तक धरना खत्म नहीं होगा, तेरे रामलीला ग्राउंड में कोई रामलीला श्यामलीला नहीं होगी। समझे बे? जी, समझ गया। अबे चल बे, समझ गया। अबे चल बे, चल बे, चल बे। अरे बाप रे। हाँ बोलो मक्खी दादा, काम हो गया? काम हो गया। काम हो गया। शाबाश मक्खी दादा, तुमने तो गोपीनाथ का दिल जीत लिया। थैंक यू गोपीनाथ जी, थैंक यू गोपीनाथ जी। काम तो होना ही था, काम हो गया गोपीनाथ जी। शाबाश। अबे अबे गोपीनाथ कौन है? कहिए गोपीनाथ जी। बाबा जी की माँ की जय। बाबा जी, रामलीला मैदान धरने के लिए पूरी तरह से आजाद हो गया।
मन अति प्रसन्न हो गया। अब गोपीनाथ जी आप तो विश्राम करें, क्योंकि हमें धरने की तैयारी जो करनी है। सुन बे टिल्लू, परमिशन मिल गई है रामलीला मैदान की, धरने की तैयारी शुरू कर। आशीर्वाद। नमस्कार, नमस्कार सुबेदार जी। जैना साहब, धरना कंफर्म हो गया है और उसी धरने की खुशी में मैंने अपने ऑफिस में एक पार्टी रखी है आज शाम। और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें आइए और जश्न मनाइए। हम जरूर आएंगे, लेकिन हमारे मित्र पॉप सिंगर शंकर सहानी जी हमारे साथ आए हुए हैं यहाँ पर, कहें तो उन्हें साथ ले आए। हाँ हाँ, आप अपने सभी दोस्तों को लेकर आइए। अच्छा जी, तो मिलते हैं शाम को। थैंक यू सर जी। ओ हुस्न की मलिका सुन ले जरा, अंदाज़े बयां मेरा, मदिरा पिला दे आँखों से, जाता है क्या तेरा। अरे जाने मत, और कितना सताओगी। कभी शोला कभी शरारा, मैं हूँ ऐसी गुलपारा। कभी शोला कभी शरारा, मैं हूँ ऐसी गुलपारा, कदमों में मेरे दिल हारा, अल्लाह समाना सारा। कभी शर्माऊं कभी मुस्काऊं, कभी शर्माऊं कभी मुस्काऊं, कभी घबराऊं कभी इतराऊं, जब याद रोज रात को लगात को। लगी है मुझे खुद से जुदा, तेरी करतूतें तो है सबको पता, और ना शरीफों वाले नखरे दिखा। कहाँ रखूं मैं इस सौगात को, हालात को, मेरा बजा बजा रंग माइल आधी रात को, मेरा बजा बजा रंग माइल आधी रात को, तेरा खुला रहा दरवाजा जुम्मे रात को, तेरा खुला रहा दरवाजा जुम्मे रात को, राहुल। हेलो, कैसी हो जान? कैसी हो सकती हो तुम्हारे बिना? तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारी याद में सूख के आधी हो गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैंने वेट लॉस का प्लान ले रखा है। शट अप, मजाक मत करो, मुझ पे भरोसा रखो, मैं मिलने का कुछ ना कुछ आइडिया निकालता हूँ। चिंता मत करो, आई लव यू। आई लव यू टू। लच्छू अंगड़ाई। टिल्लू। बोल लच्छू। मैं विदेश में था ना। हाँ, तुझे क्या बताऊं यार। बता लच्छू। वो जो गोरी गोरी शिष्याएं आती थी, हैं? वो जो मेरा डे नाइट मसाज करती थी, तबियत हरी हरी हो जाती थी, मेरे तन बदन से उनके लिए आशीर्वाद निकलता था। वहाँ की जितनी भी शिष्याएं थी, सबके अंदर मुझे मल्लिका शेरावत दिखती थी। अच्छा, वो भक्त मल्लिका शेरावत? भक्त तो हम भी हैं।
तू भक्त है, तुझमें और उनमें क्या फर्क है पता है? क्या फर्क है? वो सब मलिक का शेरावत है और तू गली का शेरावत है। जैसे तू महलों का शेरावत है, अब ज्यादा मुंह ना खुलवा। कल भी तू भाषण में वो सत्या की बड़ी तारीफ कर रहा था। सत्या मरेगा? आए? वो पहली फिल्म में नहीं मरा था ना? हाँ। मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा उसकी कि इस फिल्म में वो जरूर मरेगा और मेरे सामने जितने भी लोग होंगे, यानी कि पीपल लाइव लाइव पीपल पीपल लाइव सारे के हाँ। सारे उसे खुद अपने हाथों से मारेंगे। हाँ। सत्या मरेगा। मैंने पूरे 20 करोड़ की डील की है। हाँ। हाँ। और वो तेरा है ना दिल्ली वाला भक्त गोपीनाथ, उसे तिलक के रूप में पूरे 9 करोड़ ले लिया और 1 महीने अपने पास रखने के बाद पूरे 8 करोड़ तेरे इंटरनेशनल अकाउंट में डाल दिया। मेरे पैसे पे अपनी नजर रखना बंद कर जेब कतरे। अच्छा मैं जेब कतरा? तू भूल गया बाबा बनने से पहले लोगों की जेब काटता था? अच्छा बाबा बना दिया तो तू साले विदेशों में घूम रहा है, हम यही बैलगाड़ी में घूम रहे हैं। अरे तू सुन, एक देख मुंह मत खुला। शट अप, सुन मेरे भाई। अभी मैं विदेश में गया। हाँ गया। मैं विदेशी बाबा बनूंगा, इंटरनेशनल बाबा। उसके बाद ये इंडिया की टेरिटरी कौन संभालेगा? तू ही पगले? हाँ, यहाँ का चार्ज फुल चार्ज मेरे हाथ में। और विदेश में मैं AATC खोलूंगा। AATC ये क्या है रे? आमरण अनशन ट्रेनिंग सेंटर। अरे गजब, इसकी शाखाएं तो पूरी इंडिया में खोलनी चाहिए, शहर शहर में इसकी शाखाएं खोलनी चाहिए। AATC तुझे पता है फिर दुनिया में आमरण अनशन करने वाले कितने बढ़ जाएंगे? उन सबको तुझे ही तो हैंडल करना है। इस बात पर तो तबीयत हो रही है, तुझे चूम लूं, गले लगा लूं, ले लच्छू। ओ बेबी राहुल, राहुल राहुल कहाँ हो तुम? राहुल तुम्हें पता है डैडी मुझे लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं, मैं तो फंस गई हूँ यार। यार मुझसे ज्यादा किसे पता है यार, मैं कितना परेशान हूँ तुम्हें पता है? दिन भर डरता रहता हूँ कहीं तुम्हारा बाप यहाँ से ना आ जाए, वहाँ से ना आ जाए, वहाँ से ना आ जाए, यहाँ से ना आ जाए। हालत खराब कर दी है मेरी यार। देखो तुम्हारे पापा आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से। नहीं नहीं, पापा मुझे लेने आने वाले हैं। राहुल तुम प्लीज कुछ करो ना, प्लीज कुछ करो। हम लोग कब मिलेंगे? मेरी क्लासेस खत्म होती है और तब तुम्हारी शुरू होती है। यार हमारे पीरियड भी मैच नहीं करते। रामलीला की रिहर्सल जब से खत्म हुई है हालत खराब हो गई है यार, परेशान करके रख दिया है। अरे पापा, डैडी डैडी की गाड़ी। बाय 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 बाय। ऑफ कोर्स, फोन लीजिए। सरकार नमस्कार। बाबा जी आप तो बस नमस्कार से ही काम चलाइए प्रभु। नमस्कार नमस्कार, आपके अंदर कोई संस्कार है कि नहीं? महाराज जी को कुछ गिफ्ट तो भेजिए, जैसे कि महाराज जी के पास चलने के लिए गाड़ी नहीं है तो 2-4 मर्सिडीज भेज देते। कोरे नमस्कार से काम चला दे। ये नहीं कि आश्रम के रूप में 4-5 बंगले महाराज जी को दे देते, चार्टेड फ्लाइट दे देते, देश विदेश की सैर करवा देते। हाँ। और सुना है मलिका शेराव से आपकी दोस्ती है, उनसे एक बार महाराज जी को मिला देते। हाँ। लेकिन बस नमस्ते में सबको समझते हैं आप। बाबा जी जो हमारा है वो आप ही का तो है। हमें इस बात का ज्ञात है, जो भी आपका है वो हमारा ही है। परंतु धरने के काम में जो देर सवेर हो रही है, इस बात से हमें बहुत क्षति पहुंच रही है, बहुत दुखी है हम। धरने के काम में कोई प्रॉब्लम? अरे दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है पैसा, और आपको तो पता है धरने के काम में पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। धरना है वो धरना, और आपकी तरफ से पानी आ नहीं रहा। पानी? पैसा पैसा आ नहीं रहा आपकी तरफ से। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बाबा जी, देखिए धरना शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। आपके पास आज ही 6 बजे के पहले अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। 100% आशीर्वाद है बाबा जी की माँ। हाँ हाँ, मेरी माँ की जय। टिल्लू हाँ, अगर शाम 6 बजे तक बैलेंस पेमेंट मिल गया तो रात को 9 बजे कॉकटेल पार्टी करेंगे, चिकन बिरयानी खाएंगे, क्योंकि अपना तो उद्देश्य है दिन में टीका रात में चिकन टीका। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते। बैठो बैठो। थैंक यू अंकल। तुम लोग रिहर्सल का सोच के आए होगे ना? जी अंकल जी। बहुत अच्छा लगता है रोज समय पे आ जाते हो तुम लोग, लेकिन अभी एक परिवर्तन हुआ है। एक बहुत बड़ा बदमाश है मक्खी दादा, वो आके धमकी दे गया, गोलियां वोलियां चला गया हमारे घर में आके, और मुझे और आंटी को धमकी दे गया।
कि हमें जान से मार देगा अगर रामलीला करवाने की कोशिश की तो बेटा मेरी तरफ से ये निर्णय है कि आज से ये रामलीला की रिहर्सल नहीं होगी। मुझे अंकल, आप प्लीज ऐसा मत कहिए अंकल, प्लीज रामलीला बंद मत करवाइए, एटलीस्ट रिहर्सल्स बंद मत करवाइए अंकल। कोई फायदा नहीं है ना बेटा रिहर्सल करने का, जब रामलीला होनी ही नहीं है। वो देखेंगे कि रिहर्सल हो रही है तो फिर आके गोलियां वोलियां चलाएंगे, पूरे लॉन में गोलियां चला कर गए हैं वो। अंकल मैं अपने डैडी से बात करूंगा, वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, वो खुद जाके मक्खी दादा को समझाएंगे। आप प्लीज ऐसा मत करिए अंकल, उसे प्लीज बंद मत करवाइए। बेटा मुझे नहीं लगता कि वो किसी की बात मानने वाला है, बहुत खतरनाक है वो। मेरा तो कहना यह है बच्चों कि मुझे माफ करो, मैं ये रिहर्सल नहीं करा पाऊंगा। प्लीज अंकल, ये रामलीला नहीं हो पाएगी मुझसे। प्लीज मुझे माफ करो, मैं नहीं करा पाऊंगा। जब कांटेलाल ने फैसला कर ही लिया है कि रामलीला नहीं होगी, तब हम क्या कर सकते हैं? और राहुल, तेरे पापा ने अच्छा नहीं किया एडवांस वेडवांस के पैसे पकड़ के। इन दोनों बूढ़ों ने मिलकर रामलीला की ऐसी तैसी कर दी यार। मतलब अब कोई रास्ता नहीं है, है ना? रास्ता तो निकालना पड़ेगा यार। ये सारे के सारे रास्ते उस मक्खी दादा ने बंद कर दिए हैं, और अब वो मक्खी दादा ही ना कोई रास्ता निकाल सकता है, रामलीला शुरू करने का भी और हमारे मिलने का भी। मगर वो मक्खी दादा मिलेगा कहाँ? मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगा। ये है मक्खी दादा, इसका घर इसी गाड़ी में है। जैसा मैंने कहा वैसे ही ड्रामा करना, काम बन जाएगा। गुड लक गाइस, ऑल द बेस्ट। ओके अब रोने से क्या फायदा प्रिया, अब हम कभी मिल नहीं पाएंगे, और ये सब उस मक्खी की वजह से होगा, वो रामलीला भी नहीं होने देगा। नहीं राम, ऐसा मत कहो, हम मिले या ना मिले, हम बिछड़ कर मर क्यों ना जाएं, पर हम उस मक्खी दादा को कुछ नहीं कहेंगे, जिसने ना सिर्फ रामलीला रोकी है बल्कि दो प्यार करने वालों को भी जुदा किया है। अरे इसकी सजा तो उसे भगवान डिपार्टमेंट ही देगा। अबे देख कितना सच्चा प्यार करते हैं एक दूसरे से। अबे सदके जाओ इनके प्यार पे। अबे ये मक्खी दादा कौन है? अबे पता करके बता कहाँ रहता है ये, है? क्या करता है ये? कसम से कह रहे हो मैं, अबे जिस दिन मिल गया ना साले की मुंडी मरोड़ के भून के खा जाऊंगा। अबे ये क्या है? ये देखो ये कौन है? अबे ये तो मैं हूँ। आप ही हो द ग्रेट अंडरवर्ल्ड डॉन मक्खी दादा। मक्खी दादा जिंदाबाद, मक्खी दादा जिंदाबाद, प्लीज हमारी मदद करिए मक्खी दादा, हमारी मदद करिए। नो प्रॉब्लम, अबे तुम्हारे प्यार की नैया को मैं किनारे लगाऊंगा। अबे कांटेलाल खुद चलकर रामलीला वहीं करेगा, वहीं। हाँ कैसे? अबे ये तो आसान है, अभी कांटेलाल से बात करता हूँ। हेलो, अबे कांटेलाल बोल रही है? अबे मक्खी दादा, रामलीला का क्या हुआ? अबे नो रामलीला। अबे यस बे, यस रामलीला। रामलीला वहीं पे होगी। राहुल जी ने मुझे सब समझा दिया। राहुल जी? हाँ, अबे अगर तूने रामलीला शुरू नहीं की तो राहुल जी बुरा मान जाएंगे, और अगर राहुल जी बुरा मान गए तो मैं बुरा मान जाऊंगा, और अगर मैं बुरा मान गया तो जी समझ गया। अबे ये कांटेलाल कौन है? अबे जी जी नहीं नहीं, पुलिस कंप्लेंट नहीं करा रहा हूं मैं, वो मक्के की टेंशन खत्म हो गई। ठीक है, ओके। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, आओ आओ। बिल्कुल ठीक अंकल। कैसे हो बेटा? आओ बैठो 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 बैठो, बैठो, बैठो। जी। अरे वहां क्या बैठ रहे हो, इधर पास आके बैठो ना बेटा। अरे तूने तो बेटा कमाल कर दिया भाई, मजा आ गया। अरे मैंने तो सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये रामलीला कैसे हो पाएगी, लेकिन तुमने ऐसा काम किया कि मजा आ गया। तुम्हारे प्रति मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। मैं सोच रहा था कि तुम अपने पिताजी की तरह हो, लेकिन नहीं, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है बेटा, मजा आ गया। अंकल थैंक यू, ये तो मेरा फर्स्ट। आप ऐसे मत बोलो, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए चेंज हो गया है तो क्या आपसे कुछ मांग सकता हूँ अंकल? अरे मांगो मांगो बेटा, क्या मांगते हो, मांगो। अंकल क्या मैं आपसे, बोलो बोलो अंकल, क्या मैं आपसे प्रिया का हाथ मांग सकता हूँ? हाथ तो बेटा तुझे मिलेगा।
हा? लेकिन प्रिया का नहीं, मेरा चलेगा जी बाबा जी। हाँ बाबा जी, कोई दिक्कत नहीं बाबा जी, शाम तक फुल एंड फाइनल हो जाएगा बाबा जी। हाँ जी, आप चिंता ना करें। ओके बाबा जी। हाँ बाबा जी, हो जाएगा बाबा जी। चरण छू लिया बाबा जी, हटा लिया बाबा जी। हाँ नहीं नहीं, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ जी। ओके ओके, धन्यवाद सर जी। फोन पे फोन आ रहे हैं बाबा जी। और ये जो बाबा जी जो हैं वो प्रीपेड बाबा हैं, अगर वक्त पर इनका अमाउंट अगर नहीं गया ना तो कनेक्शन कट जाएगा, है? मेरा प्रेशर बढ़ जाएगा। अब सुबेदार जी को फोन लगाओ। करता हूँ। कीजिए। गोपीनाथ जी। हाँ सुबेदार जी, धरने की प्लानिंग फर्स्ट क्लास। हाँ जी हाँ जी, दो दिन में धरना शुरू करने जा रहे हैं। वो आखिरी किस बाकी है ना। अरे गोपीनाथ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, पैसा आप तक समय समय पर पहुंचता रहेगा, आप तो सिर्फ बस धरने की तैयारी कीजिए। धरना बहुत अच्छे से होना चाहिए। थैंक यू। आ रहे। चलो भाई लोग, जोर शोर से धरने का काम शुरू होना चाहिए। पैसे की कोई कमी नहीं है। हेलो, मेरी माँ की जय। टिल्लू, पैसों का इंतजाम हो गया। हाँ। धरना किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं हम लोग जी। बस एक काम करना, क्राउड के साथ अच्छे क्राउड का इंतजाम करो। अरे महाराज, यही तो समस्या है, क्राउड कहाँ से लाएं? रियलिटी शो में जाके क्राउड बैठ जाता है, 1,000 पर डे मिलता है और 3 टाइम का खाना अलग। तो फिर वो सत्या किस दिन काम आएगा? उसने लंबे बाल तो कर ही लिए हैं, दाढ़ी किसी भी वक्त बढ़ा सकता है। वो अपकमिंग बाबा है, उसको बोलो वो गाँव के कुछ सीधे साधे कुछ लोगों को लेकर आएगा अपनी बातों पर। ये सही बात है बिल्कुल। लेकिन एक बात सुनो। हाँ। सत्या को बोलना जब भी वो ऑफिस में ना धोके। हाँ। और तुम्हें तो पता है मेरा मिजाज। हाँ। धरना भी जब मैं बैठूं तो मेरा मूड लगा रहना चाहिए। हाँ। इसलिए 20-25 साल की कुछ 20-25 मॉडल्स मेरे सामने बिठा देना। अब इन मॉडल्स को लाने के लिए जो कोऑर्डिनेटर हैं रैना जी, मैं उनको फोन लगाता। क्यों, तूने वो काम बंद कर दिया क्या? आपके साथ ही तो छोड़ा है। हाँ। फोन लगा। हेलो रैना जी, नमस्कार, टिल्लू बोल रहा हूँ। बाबा जी की जय। 20-25 सुंदर सुंदर लड़कियाँ धरने के लिए चाहिए। पैसा क्या लेंगी? 2,000 पर डे। रुको, मैं बाबा जी से चर्चा करके कॉल बैक करता हूँ। बाबा जी 2,000 पर डे मांग रही है। लेकिन 2,000 लेके बैठेगी ना? अरे 2,000 में तो लेटेंगी। लड़कियाँ आलसी है क्या? अपने को आलसी नहीं, मेरे धरने में लड़कियाँ मुझे बैठ के मुझे सुनना चाहिए, मेरी बातों को सुनना चाहिए, ऐसे लाना चाहिए। ठीक है, अब तुम काम पे शुरू जाओ। वो बाहर अपना सत्य है ना? हाँ। उसका ध्यान रखो प्लीज। मैं अभी जाता हूँ और सत्य को समझा कर आता हूँ। और ये हमारा महान देश तो धरनों का देश है। धरनों के कारण ही महात्मा गांधी जी ने हमारे प्रिय बापू। अबे साले यार, मेरी जिंदगी चली पड़ी है, तू इस टीवी में घुसा पड़ा है। अबे साले, टीवी में नहीं घुसा पड़ा, जो धरने की न्यूज है उसे देख रहा हूँ। इस धरने की न्यूज पे पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। ऐसा क्या है इस धरने की न्यूज में यार? ये धरना कोई आम धरना नहीं है, ये धरना जो हमारा देश पिछले कई सालों से महंगाई और करप्शन की मार झेल रहा है, बाबा जी इस धरने के थ्रू उन्हें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर मैं भूख हड़ताल करूं, धरने पे बैठ जाऊं, मेरी और प्रिया की शादी हो सकती है? बिल्कुल, सबसे अच्छा जरिया है धरना अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। फिर तो भैया फाइनल हो गया, मैं धरने पे बैठूंगा। हाँ, जहाँ दिल करे वहीं पे बैठ जा, वहीं पे धरना दे जम के। तो धरना हो गया फाइनल। बिल्कुल फाइनल। राधे श्याम राधे श्याम, बिगड़ रहा है हर बनता हुआ काम। क्या हुआ टिल्लू जी, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताएं सत्या जी, लोग धरने में आने के लिए पैसा मांग रहे हैं। हाँ, 500 रुपया रोज। हुँ? और हुँ? खाने को बिरयानी अलग से, जैसे बाबा जी की शादी हो रही। अरे नहीं चाहिए हमें ऐसे 500-500 रुपए वाले। हुँ? लोग, हमें तो वो लोग चाहिए जिनके दिल में देश के लिए दर्द हो, लोगों का दुख बांटने का जज्बा हो, देशभक्त हो। मगर अफसोस, कहाँ मिलते हैं आपके जैसे ईमानदार। अरे टिल्लू जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अरे मैं लाऊंगा लोगों को गांव-गांव से। सच? कहाँ है चरण नाम के? बाबा जी के जन कल्याण विचारों के बारे में लोगों को जाकर मैं बताऊंगा।
और सच्चे हिंदुस्तानियों को धरना के लिए लेकर आऊंगा। और हमारे साथ इस देश का युवा वर्ग भी है। अति सुंदर प्रयास जारी रखें आप, और आप जाएं और देशभक्तों की टीम जुटा कर लाएं। और वैसे भी टिल्लू जी, मैंने बाबा जी के बारे में लोगों को पहले से ही कह रखा है। क्या बात है, मिलाइए इस बात पे। हाँ, ये हुई ना बात। धरना धरना। अरे कौन है ये बदतमीज? अब तो हो के रहेगा धरना, काटे लाल से क्या डरना। चौकीदार, वॉचमैन, वॉचमैन। राहुल राहुल, तुमने बहुत किया राहुल, तुम जाओ यहाँ से। तुम अंदर चलो, दारू की रखी इसमें, मैं संभाल लूंगा। जाओ अंदर। हाँ, चलो। तो मेरे ससुर जी, जो मुझे अपना दामाद मानते ही नहीं हो, अब ये सुन लो, अब तुम मेरी शादी अपनी प्रिया से, मेरी डार्लिंग प्रिया से अपने आप करवाओगे। पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा दारू पी के? ससुर जी, बाहर निकालो, चल। मैं अब करूंगा हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। ले जाओ, अब तो हो गएगा धरना। होगा धरना। हेलो मुख्यमंत्री जी, मैं आपके लिए खबर लाया हूँ। अच्छा, सुनकर हिल जाएंगे आप। क्या? हमें पता चल गया है कि गोपीनाथ को फाइनेंस कौन कर रहा है, वो है सूबेदार। अच्छा अच्छा, सूबेदार सिंह है? जी हाँ। ठीक है, मैं करता हूँ उसका इलाज। क्या कह रहे हैं सर जी आप? आपके कहने पे हमने ये काम हाथ में लिया था, आप ऐन वक्त पे ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा? अब दो दिन में धरना शुरू हो रहा है। सर जी आपको सरकार गिरानी थी ना, तो अब क्या हो गया? देखिए गोपीनाथ जी, मैं आपसे कितनी बार पहले कह चुका हूँ, बुरा समय किसी से कहकर नहीं आता। और मैं आपको पहले भी कितने पैसे दे चुका हूँ, लेकिन मैं अब आपको और पैसे नहीं दे सकता। मुझसे गलती हुई है गोपीनाथ जी, मुझे माफ करें। गोपीनाथ जी, इस तरह सर पकड़ के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अरे तो फिर क्या करूं मैं? अरे मुख्यमंत्री जी का फोन। हेलो। हेलो बोलने का टाइम नहीं है। जी जी मुख्यमंत्री साहब जी। मेरे पर ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। नहीं मंत्री साहब, आपके आदेश अनुसार मैंने धरना रोक दिया है। अच्छा किया जी। नौटंकी बंद कर, तुम हमारे पुत्र मित्र हो। सर थैंक यू, सर थैंक यू, थैंक यू। दिल्लू महाराज की जय। प्रभु कल्याण हो प्रभु। कहो क्या बात है राहुल? है? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो मेरा नाम भी जानते अरे हैं। हमें आपके पूरे परिवार का बायोडाटा मालूम है। आजकल प्यार मोहब्बत कैसी चल रही है? अरे बहुत बुरी चल रही है प्रभु, इतनी मुश्किल में हूँ, लड़की का बाप मान ही नहीं रहा है। अरे लड़की का बाप नहीं मान रहा है तो एक ही इलाज है, धरने पे बैठ जाओ। प्रभु इसीलिए तो आपके चरणों में आया हूँ। हाँ, ये कोई सार्वजनिक धरना नहीं है, कोई भी आए और अपनी चेयर लगाए, धन खर्च करना पड़ता है। कितना लगेगा प्रभु? 5 लाख दे दो। 5 लाख कहाँ से लाऊं, कुछ तो कम करिए। अच्छा अच्छा, सुनो 3 लाख तो बिल्कुल लूंगा। 3 लाख, क्योंकि प्यार मोहब्बत का मसला भी तो खड़ा करना है जी। चलिए मैं अपने प्यार के लिए 3 लाख खर्च कर दूंगा। तो ठीक है, कल मेरे अकाउंट में 3 लाख भेज देना। कल सुबह पहला काम हो गए। हाँ, प्यार किया तो डरना क्या, और 3 लाख अकाउंट में भरना क्या, भर दो जाओ। जय हो प्रभु। इस धरने ने तो हमारी किस्मत ही खोल दी, बाबा के आश्रम का कल्याण हो गया। ये धरना हमें करोड़पति बना के छोड़ेगा। मैं तो कहना जो उत्ते वाला करदा हमेशा ठीक करदा। आप हमेशा ठीक कहते थे प्राशर साहब, इन नेताओं की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी, इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा। सुबेदार जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आइए आइए जैना साहब। आपने धरने से हाथ खींच लिया? आपने जो सुना जैना साहब, बिल्कुल ठीक सुना। पर ऐसा क्यों? आफ्टर ऑल धरने के बारे में सबको पता था कि आपने ही स्पॉन्सर किया है, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जैना साहब, हर सवाल का जवाब नहीं होता है। हमने रूलिंग पार्टी से हाथ मिला लिया है,
जो फायदे हमको और हमारी कंपनी को धरने के बाद होने थे वो हमको उससे पहले ही हो जाएंगे। आइए हाथ मिलाइए और रूलिंग पार्टी को मजबूत करते हैं हम सब। जिसके भरोसे पे हमने ये धरना किया था, जिसके कहने पे हम सरकार बनाने वाले थे, जिसको सरजी सरजी कहते मैं थकता नहीं था, वो साला मुझे चने के पेड़ पे चढ़ाकर खुद की जान छुड़ाकर भाग गया। सॉरी बोलकर फोन रख दिया उसने। सरकार और इज्जत दोनों दांव पे लग गए ना। आज वो बाबा को धरने की बाकी रकम देनी है। कहां से देंगे? घंटा है कोई समाधान? बोलते बंद हो गए ना। है एक एक समाधान है जिससे धरना भी होगा और हमारी सरकार भी बनेगी। बाबा प्रताप चरण छू रहा हूं। बाबा क्या प्रताप जी? अरे गोपीनाथ जी ने तो हमें स्वयं वचन दिया था कि वो शाम तक पैसों का इंतजाम कर देंगे। बाबा जी गोपीनाथ जी पार्टी मीटिंग में बहुत व्यस्त थे इसलिए उनका फोन बंद था। उनकी तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके लिए ही ये मीटिंग बुलाई थी। हाँ, सभी कार्यकर्ता चाहते हैं बाबा जी के आप चुनाव लड़े। अरे आप तो 100% जीतेंगे। फिर क्या है गोपीनाथ जी की क्या बोलते हैं कैबिनेट में आपको कोई अच्छा सा पोर्टफोलियो मिल जाएगा, मंत्री बन जाएंगे आप। ठीक है प्रताप जी, सरकार तो बाद में बनेगी, पहले तो धरना होगा और धरने के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। अरे बाबा जी सब हो जाएगा, आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद तो हमारा आपके साथ पूरा है प्रताप जी, लेकिन ऐसे काम आशीर्वाद से नहीं पैसों से होते हैं। और आप वो अच्छा वो बाबा जी आप चिंता ना करें आप। पार्टी ने तय किया है जो रकम बाकी है वो गोपीनाथ जी खुद आपको धरने के समय मंच पे सारी जनता के सामने सहयोग राशि के रूप में देंगे और आशा करते हैं कि आप इससे सहमत होंगे। ठीक है आप पर हम विश्वास करते हैं। छूटे कहीं के हट। हरिओम हरिओम। हाँ सत्या जी सुनिए ना टिल्लू जी, अरे थोड़ा सा समस्या आ गया है। अरे बाबा जी के धरने में आने के लिए गांव-गांव से लोग तैयार हैं, लेकिन उनको लाया कैसे जाए? अरे सत्या जी चिंता ना करो, अपने बाबा जी के बहुत बड़े भक्त हैं, उनका नाम है भाटिया जी, उनका भाटिया ट्रांसपोर्ट है। अच्छा गांव से सारे ट्रक गुजरते हैं उनके, बस उसी में डाल के ले आओ। हाँ ठीक है, बस तो फिर बाबा जी की माँ की जय। आशीर्वाद बाबा जी। अरे यार लच्छू, वो गोपीनाथ का बाकी का पेमेंट हो जाएगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू वहाँ जा धरने के पास जा। तो तू कब आएगा धरने पर? तू वहाँ नारे लगा, माहौल बना, मैं मीडिया के साथ आता हूँ। जा भाग भाग। बाबा जी की माँ की, 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 बाबा जी की माँ की। शांत 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 भक्त जनों, देश में भ्रष्टाचार और महंगाई के विरुद्ध देखिए देखिए वहाँ कौन अब हमारी भेंट आ गए बाबा रामलीला मैदान में ही होगी। बाबा जी की माँ की, बाबा जी की माँ की। तो आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, महंगाई और भ्रष्टाचार को पूरे देश से निकाल फेंकने वाला दिन। और आज बाबा जी इसका बिगुल फूंकने के लिए अपने आश्रम से रामलीला मैदान के लिए निकल पड़े। लक्ष्मण देव प्रसाद जी की कार रामलीला मैदान जाने से पहले जंतर मंतर होते हुए जा रही है। इस पर बाबा जी के चाहने वालों का कहना है कि बाबा जी अपने कार के अंदर से ही जंतर मंतर को देखकर यहां समय देखने के अनोखे तरीके से प्रभावित होकर हमारे देश को एक अनोखा और साफ सुथरा समय दिखाने का अपने आप से निश्चय कर चुके हैं। बाबा जी अब रामलीला मैदान से महज 15 मिनट की दूरी पर हैं, लेकिन बाबा जी धरने पर जाने से पहले वो राजघाट पर बापू का आशीर्वाद लेने के लिए रुके हैं। हम अपने दर्शकों को बाबा जी के हर पल की खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं
देखना है कि बाबा जी रामलीला मैदान की ये 15 मिनट की दूरी कितनी देर में तय करते हैं। धरने पे धरना, धरने पे धरना, यानी कि रोज नया धरना। समझ नहीं आ रहा है क्या छोड़ना और क्या धरना। इसी तरह अगर रोज होते रहा धरना तो बंद हो जाएगी अपनी दुकान वरना। लक्ष्मण देव लच्छू समझ जा बच्चू। 9 8 9 बाबा जी की जय। 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 टिल्लू जी, बाबा जी की माँ की जय। अरे आप ट्रक भेजने वाले थे, ट्रक कहाँ है? देखो वहाँ से यहाँ तक सबको पैदल लेकर आया हूँ मैं। बाबा जी कहाँ हैं? अरे राधे श्याम, राधे श्याम। और बाबा जी पहुँचने वाले हैं रामलीला मैदान। एक मिनट कॉल अटेंड कर लूँ। हेलो, रामलीला मैदान में लाठी चार्ज बटवाए क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने धरने का बिजनेस तो खोल लिया और दुकान ढंग की नहीं लगाई। क्या मतलब है आपका? कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि तुम इन हिंदुस्तानियों की, इन गरीबों की भावनाओं से खेल रहे हो। तुम हिंदुस्तानियों की भावनाओं से खेल रहे हो। यहाँ तो जाते हैं तुम्हारे समर्थन में, नारे लगाते हुए तुम्हारे पीछे पीछे, फिर इन्हें पुलिस की लाठियाँ पड़ती हैं, क्योंकि तुमने यहाँ पे रामलीला मैदान में धरना करने की परमिशन ही नहीं ली सरकार से। इसलिए ओ लौंडे, बाबा जी की महानता पर दाग मत लगाओ। हाँ, बाबा जी को बदनाम ना करो। ये अब तक राज बना हुआ है कि बाबा लक्ष्मण देव प्रसाद यूं अचानक कहाँ गायब हो गए। वो धरने के लिए अपने आश्रम से रामलीला मैदान के लिए निकले थे और वो सबके बीच से कहाँ, कैसे और क्यों गायब हो गए, ये अभी तक एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। यही वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ बाबा जी खड़े थे, लेकिन बाबा जी इस कार में नहीं है। इसका मतलब ये है कि बाबा जी फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। मैं द्वारका प्रसाद कैमरामैन सचिन के साथ लाइव इंडिया दिल्ली। देखो भाग गया बाबा, हम इसे पॉलिटिक्स सिखाने वाले थे, करोड़ों का माल लेके भाग गया वो। अब क्या सरकार बनाएंगे घंटा? इसकी तो माँ की। अबे चुप, शांत हो जाए, बैठ जाइए। मैंने नहीं, आपने कहा था कि बाबा बाबा देगा धरना। अब हमको क्या करना, बाबा बनाएगा सरकार, आपने कहा था। अगर ऐसे बाबा लोग सरकार बनाने लगे ना तो हमारे जैसे नेताओं को तो क्या है कि लंगोटी पहनकर आश्रम में बैठ जाना चाहिए। आपके पास लंगोट है या ऑर्डर कर दूं? शट अप। धरना तो शुरू हुआ है पर बाबा लक्ष्मण देव का नहीं। धरना रामलीला मैदान पर नहीं बल्कि एक नई जगह पर शुरू हुआ है। लगता है आज का युवा जग चुका है। तो आइए चलते हैं वहाँ जहाँ मौजूद है समाज सेवक सत्या और उनके साथी। अब तक आए नहीं तुम्हारे बाबा जी? कहाँ है तुम्हारे बाबा जी? हाँ हाँ हाँ, टिल्लू जी बताइए ना, कहाँ है बाबा जी? अरे आते ही होंगे बाबा जी। भाग गया बाबा। क्या कह रहे हो? पाखंडी बाबा भाग गया। हाँ? मैं कहता था ना, इसके खाने के दांत और दिखाने के और, पाखंडी साला भाग गया बाबा जी। गलत है, सरासर गलत है। बाबा जी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। अरे चैनल से फोन आया है, बाबा जी भाग गए। हाँ, कायरों की तरह डर कर बाबा जी विदेश भाग गए। टिल्लू महाराज, तुम्हारे और उस पाखंडी बाबा के सारे राज खुल चुके हैं। नहीं ऐसा नहीं। क्या हो हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ, मुझसे पाप हुआ है, घोर अन्याय हुआ है मुझसे। क्षमा कर दे आप, माफ कर दे मुझे सत्या भाई, ये सच है। वो लक्ष्मण देव लच्छू डसने वाला बिच्छू, पाकिट मार चोर है। हम दोनों चोर थे, चोरी करते थे। अचानक लच्छू के दिमाग में लाखों करोड़ों कमाने का सपना आया। उसने धर्म और योगा के नाम पर लाखों लोगों को लूटा। लेकिन मैं भी उसके चक्कर में आ गया, मैं भी चला गया और लच्छू मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मुझसे घोर अपराध हुआ है, पाप हुआ है मुझसे। क्षमा कर दो मुझे, माफ कर दो मेरे भाई सत्या। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे हाय हाय बाबा जी का नहीं, हाय हाय तो मेरा हुआ है, आप सबका हुआ है। हाय हाय पूरे भारतवासियों का हाय हाय हुआ है। हम लोग
लक्ष्मण देव बाबा जैसे पर विश्वास करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। ये हम क्यों भूल जाते हैं कि त्रेता युग में जब रावण ने सीता माँ का हरण किया तो वो भी साधु के वेश में बाबा के वेश में गया था, और आज कलयुग में भी जो बाबा आ रहे हैं वो भी साधु और बाबा के वेश में हमें लूट रहे हैं। अरे इस देश में तो हर कोई एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में लगा रहता है। हर मोड़ पे हमें साधु संत के रूप में रावण मिलते हैं, रावण जो धर्म और योगा के नाम पर हमें लूटते हैं। गलती तो हमारी है। अरे देश की सरकार चुनाव के दिन छुट्टी देती है ताकि देश की जनता ईमानदार साफ सुथरी सरकार का चुनाव करे। हम चुनाव वाले दिन को घंटे पे टांगते हैं। किसी को घूमने जाना है उस दिन, किसी से कहो भाई चलो वोट डालने चलते हैं, तो लोग अपने ड्राई डे का इंतजाम करे बैठे होते हैं कि कब मिले खंबा और कब हो जाओ लंबा। हमने भी देखा, हमने भी देखा। तुम्हारी पसंद पर नाज है। बीवी के साथ पिक्चर देखने, किसी को गार्डन में लेटना है। यशोदा, हम इसकी शादी राहुल से ही कराएंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, वोट कोई नहीं डालने चाहता। और फिर हम आज रोते हैं बाबाओं के हाथ। तुम ही लोग हो जो 100-100, 200-200 रुपए में अपना वोट बेच देते हो। अरे देशवासियों, दूसरों को हाय हाय कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। अरे हम अपनी ही गलती से ऐसे पाखंडी और बाबा और अपराधियों को अपना अधिकारी बना लेते हैं, अपना नेता बना लेते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे भाइयों, मैं करूँगा अनशन और मैं मिटाऊंगा देश से भ्रष्टाचार और इस महंगाई को, और आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे और पूरा भारत मेरा साथ देगा। हम भाई साथ देंगे, भारत माता की है, भारत माता की है। मिलती क्यों नहीं, ये गलियां खिलती क्यों नहीं, चल दे दे धर्म सरकार है गिरती क्यों नहीं, नौकरियां मिलती क्यों नहीं, ये गलियां खिलती क्यों नहीं, चल दे दे धर्म। ससुराल ना हो तो राजी, ना राजी पंडित का जी, ना पके इश्क की भाजी, तो दे दे पुलिस देरी हो गई, ओ हर काम में देरी हो गई, दुनिया यहाँ देरी हो गई, हाँ हेरा फेरी हो गई, हाँ पुलिस देरी हो गई। रखून को अपने गर्म रे, थोड़ी भी करना शर्म रे, धरना बना ले धर्म रे, तो दे दे धरना।